जाइए प्रदेश प्रोग्राम तुहाडा सब का स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं ग्लोबल फ्लायर्स जो कि नियर मिनी बस स्टैंड लोपो रोड बतनी कलां विखे स्थित है। ग्लोबल फ्लायर्स अज के टाइम एक ब्रांड बन चुका है। इत्थे बच्चों आयल्स और स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। इस दे नाल नाल बाहर जाने वाले विद्यार्थियों लिए स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा की फैसिलिटी भी मौजूद है। इतों के एम डी रजत जी बहुत ही मेहनती इंसान है और हमेशा ही बच्चों को गाइड करने लिए तैयार रहते हैं। इतों का स्टाफ बहुत ही मेहनती के तजुर्बेकार है। जेकर तुसी भी अपना सुनहरी भविख बनाना चाहते हो या अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो ग्लोबल फ्लायर्स बदनी कला जरूर पहुंचो। मैं की कहना चाहोगे कनेडा तो यूके का जिदा तुसी सेवा दे रहे हो किवें मतलब जिहड़ा हैगा ये पॉसीबल हो रहा कि काफ़ी वधिया रिजल्ट्स जिहड़े हैगे जिहड़ा बंदा एक बार परमिशन च आ जाता ग्लोबल फ्लायर्स दे ओ कुछ ना कुछ लैके जाता जी। मैं गल करांगी कैनेडा की तो एंड यूके आपां कैनेडा भी कर रहे हैं तो यूके कैनेडा काफ़ी टाइम तो कर रहे हैं सर। मैं तुहानूं यही दस्सांगी कि कैनेडा जिस टाइम मार्केट के बहुत रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा वधिया हुई सी उस टाइम भी अपने बहुत वीजे आए ने। तुसीं देख सकते हो सोशल मीडिया से चैक कर सकते हो कि किस तरह अपने वीज़ा धड़ा धड़ आए ने। तो कैनेडा दे उस टाइम वधिया उन्होंने मनपसंद कॉलेजेस मिले ने बच्चों नूं। तो मैं यही कहूँगी कि तुसीं आओ कैनेडा दे वीज़े लगाओ। इस टाइम भी जो असीं देख रहे हैं सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा है जिहड़ा कि कोई होर इमीग्रेशन तुहानूं नहीं दे सकता मेरे अकॉर्डिंग कोई होर इंस्टीट्यूट नहीं दे कर सकता जो इस टाइम असीं वधिया रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स नूं। एंड मैं एक ये कहांगी कि जो इस टाइम कैनेडा दे वीज़े आ रहे ने जिदे विच स्टूडेंट वीज़े आ विद इन 15 to 20 days के आ रहे हैं। रिफ्यूजल्स वाले भी बहुत वधिया सक्सैस रेट के निकल रहे हैं रिजल्ट। मैडम मल्टीपल रिफ्यूजल्स वाले नूं भी एक जिदा तुसी दस रहे हो की कहना चाहोगे किवें फिर तुसी कर दे हो फाइलिंग तुहाडे दम आ या तुसी उहनूं इस जोन च लै जांदे हो बंदे नूं जदों बंदा घबराया होया आंदा उहदे वीज़ा नहीं लगे होंदे की कहना चाहोगे कि किस तरीके दे नाल उहनां दे जिहड़े रिफ्यूजल वीज़े हैगे आ उहनां दे तुसी किवें माहर बन गए। बदनी च बहि के भी लोग जिहड़े हैगे आ असीं देखदे हरियाणे तों लोग जिहड़े आ वीज़े लगा रहे आ बड़ी दूर दूर तों आ रहे आ किवें मतलब इह चेन बन गई भी जिहड़े डॉक्टर साहब जदों अपने सारों रहिणे वीज़े लगाए आ ते उहनां दे नाल गांह दी गांह अगले रिश्तेदारां दा ते होर इस तरीके दे नाल अज तुसीं हर थां ते पहुँच गए। एक गाइड करन दा तरीका हुंदा है जो कि रजत सर साडे MD बहुत वधिया तरीके नाल गाइड करदे ने। बाकी उहनां दे जो इंपलॉयर हायर किए हुए ने बहुत वधिया टीम आ जो इत्थे नाल असी कम कर रहे हैं सर दे तां एक वधिया तरीके नाल बच्चे नूं गाइड करना कित्थे उहनां तों मिसटेक रही आ पहली एप्लीके जो उहनां ने अपनी प्रोफाइल जो बनी हुई सी वीज़ा पहलां उहनां ने लगाया जिथे उहनां दी रिफ्यूजल दे चांसिस उहनां दे ज़्यादा वधे सी उह चीज़ां आपां घटाउंदे आ ते उहदे विच उहनां नूं दसीदा कि चीज़ां तुहाडी कमी पेशी रही सी उह कमी पेशी आपां पूरी करदे आ तां बच्चे नूं किते ना किते बच्चे दा कुछ अपने फ्रेंड्स दे पिछे लग के कॉलेज दे रिगार्डिंग जां कोर्स आ जो उहनां दे पिछे लग के गलत यूज़ किए होणगे तां उह असीं उहनां दे सही करवाउने आ। वधिया गाइडेंस दे करके ही असीं वीज़ा रिफ्यूजल दे जो आ रहे ने साडे कोल केसिस वधिया तरीके नाल कट रहे आ सर। और यूके की गल कर लिए यूके दे विच भी तुसी काफ़ी इन्हां दिनां च मल्ला मार रहे हो उहदे बारे की कहना चाहोगे। हाँ जी यूके दे बारे मैं बहुत वधिया थोड़ा टाइम होया स्टार्ट किए बट बहुत वधिया सक्सैस रेट रहा है इस टाइम तो असी फिलहाल बच्चे जनवरी इनटेक के लिए बच्चे भेजे ने तो लगातार 7-8 वीज़े साढ़े आए थे। फुल प्लेस अपने को यूके का पैकेज होएगा अगर बच्चे किसी टाइम होंगी दिक्कत कि भी नहीं हो सकता साडा वीज़ा ना आए साड़ी फीस करावेगी तो डोंट वरी कोई इदा का चीज़ नहीं गा कि फीस कट्टी जाएगी कुछ भी आफ्टर वीज़ा सारी फीस लवेंगे तो पैकेज होएगा फुल प्लेस मतलब अगले नूं घबराने की कोई लोड़ नहीं है। मीनस कि जे लगेगा वीज़ा तो ही पैसे जाएंगे ये नहीं है भी उन्होंने कोई भी किसी तरह का भी लॉस में झलना पऊ। जी जी सर पहला मैं यही कहांगी कि पहला पहली गल तो यही है कि अपना सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा वधिया जिदा अपना कैनेडा का रहा है उस तरह ही अपना यूके का भी आदेश बच्चे घबराने की लड़ नहीं गई क्योंकि आफ्टर वीज़ा सारी फीस होएगी उन्हों की तो पहला कोई फीस नहीं होएगी कुछ भी चार्जस नहीं होएगा। सो मैं तुम्हें यही गाइड करांगी कि तुम आओ ग्लोबल फ्लाइट्स नाल मिलो तो आप वधिया खुशी जो कि वीज़ा है तो आप दईए। मैडम आईलेट्स की आप गल कर लिए PT की गल कर लिए तो ये एक सेंटर एक हब बन चुके है इस चीज़ की और आप ऑफ सीजन है अजकल लेकिन वो बावजूद भी स्टूडेंट्स की फ्लो तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा हैगी आ और प्लस टू के बच्चे एग्जाम दे रहे की कहना चाहोगे कि एक बार बंदा ग्लोबल फ्लायर च आके तुहाडा क्लासा ज्वाइन करता हैगा डेमो लिंदा हैगा तुहाडा एक बार जरूर अंदर आके विजिट कर लवे देख लवे टीचर्स नूं जिदा इत्थे दे कई तो टीचर ऐसे ने जिहड़े इत्थे ही पढ़े ने इत्थे ही बहुत वधिया वधिया बैंड लैके पढ़ा रहे हैं।
जी मैं यही कहांगी कि इमीग्रेसन के नाल नाल अपनी आयल्स भी बहुत वधिया चल रहा है। जिदा कोई भी बच्चा आता है तो यह नहीं होएगा कि वह वापस चला जाएगा, तो इतने जो भी डेमो के लिए पहला आता है तो वह ये नहीं कि डेमो लैके गया तो बाद च नहीं आएगा, आ रहे हैं। यदा कारण की है कि टीचर वधिया जो टीम रखी हुई है अपनी हायर टीचर एक वधिया तरीके नाल जो जिन्हां दे बैंड स्कोर वधिया 7+ बैंड स्कोर टीचर्स साढ़े हायर किए हुए ने, सो टीम दे सिर ते भी हुंदा है, बहुत वधिया टीचर्स ने। एंड बाकी बच्चों नूं खुद पता चलता रहिंदा भी जो इन्हां दा नेम आ ग्लोबल फ्लाइट्स दा नेम बहुत ज़्यादा है करके तो बच्चे खुद आ रहे ने। दूसरी गल ये कहूँगी कि वधिया बैंड स्कोर आ रहे ने इस टाइम, जो बच्चों के बैंड स्कोर वधिया आ रहे ने, ये नहीं कि जो बच्चा आ गया आयल्स करेगा और दे तो बाद इन्हां दी फाइलिंग का भी सब कुछ इतों ही हो रहा है। इसलिए आयल्स दे जो बच्चे आ रहे ने वधिया तरीके नाल आपां उन्हां नूं गाइड करीदा, वधिया टीचर ने वधिया उन्हां नूं पढ़ाते ने सारा कुछ कि बच्चों की कोई कंप्लेन नहीं आ रही इस टाइम। डिवेलपमेंट भी एम्फसाइज तुसीं करदे हो, उहदे बारे की कहना चाहोगे कि बच्चे की ओवरऑल डिवेलपमेंट? बच्चे बाहर जाते हैं तो उन्होंने ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती क्योंकि तुसीं पहले ही समझा दें उन्होंने, क्योंकि तुहाडे बच्चे जिहड़े बाहर गए हैं वो तुहाडा डिस्कस करते हैं भी आह सानूं प्रॉब्लम्स इत्थे आ रही आह चीज़ा है, वो क्योंकि तुसीं उन्हां नूं केवल वीज़ा तक ही संबंधित नहीं है बल्कि वट्सएप ग्रुप बने ने जो बच्चे उधरों गलबात करते हैं उन्होंने खुशी होंगी साडा ग्लोबल फ्लायर। हाँ जी, कोई भी बच्चा जो पहला इतने आता हर कोई नहीं इन्ना माहिर नहीं हुंदा उन्हां नूं किवें बोलना है किवें बाहर उन्होंने की करना है, ये नहीं गा कि असी कल्लियां कापियां कालियां करवातियां जां बच्चों सिर्फ पढ़ाते ही हाँ लिखाते ही हाँ, और नहीं ये नाल नाल परसनैलिटी डिवेलपमेंट दियां क्लासेस भी लगदियां ने। जिद्दां कह दो कि बच्चे नूं बोलन चालन का कई बार नहीं पता लगता, बच्चे छोटे भी आते इतों प्लस टू पास आते हैं तो उन्होंने बोलन का तरीका उठन बैठन का बाहर किवें गल करनी जां कुछ भी आ तो उन्होंने सारा इतने समझाया जाता है। इतों जाके बच्चा ये नहीं कि चार बंद खड़ के बोल नहीं सकता, बोल सकता है कि वह पहला झिझक होंगी है, बट इतों जिहड़ी भी झिझक उन्हां दी जो भी हैजीटेशन होंगी वो इतों खत्म करके तोरी दी। दर्शको प्लस टू के पेपर हो रहे हैं, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की गल कर लिए, CBSE की गल कर लिए, देर ना करो, रिजल्ट ना डिको, की कहना चाहोगे कि उन्होंने एक बार आके जरूर मिलना चाहिए? हाँ जी, एक बार आके जरूर मिलो ग्लोबल फ्लाइट्स की टीम को, तुहानू वधिया ही गाइड करनगे ते वधिया रिजल्ट देंगे। थैंक यू मैडम। रजत जी, जिस स्पीड के नाल इस एरिए दे विच इन्ने थोड़े सालों के जिस तरीके दे नाल अगे तुसीं वधे हो, की कहना चाहोगे कि वह जिहड़ी लॉयल्टी है वो साफ सुथरा जिहड़ा बिजनेस करन दा माइंड सीगा तुहाडा, जिस तरीके नाल फादर ने पहलां तो वाइब्रेशन दिया दित्तियां सीगियां भी आपां पॉजिटिव काम करना हैगा, आपां किसी के फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई उस चीज़ों वल नहीं जाना, वो तो चल के अज तुसीं पूरियां उचाइयां जिहड़ियां छू रहे हो और हर पासे जिहड़ा हैगा ग्लोबल फ्लायर्स का नाम है। जिहड़ा बंदा एक वारी तुहाडे नाल जुड़ जांदा वो अगे दी अगे चेन बना रहा हैगा, केवल पंजाब च ही नहीं हरियाणे तो हिमाचल तो राजस्थान तो दूरों दूरों कैंडीडेट्स जिहड़े हैगे आ तुहाडे नाल जुड़ रहे हैं, कोई वीज़ाज़ दे नाल जुड़ रहा, कोई किसी भी तरह की उन्हूं फॉरन जाण दे लई जां इमीग्रेशन दे रिगार्डिंग जां आईलैट्स PT दे रिगार्डिंग कोई भी है चीज़ तो उहदे च तुसीं बहुत वधिया तरीके दे नाल अगे जा रहे हो, स्टाफ तुहाडा जिहड़ा हैगा तुहाडे अपने बच्चे बैंड वधिया लै के कई बच्चे इत्थे नाल तुसीं उन्हूं प्लेसमेंट भी दे रहे हो, की कहना चाहोगे? पहली गल तो सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों नूं, ते ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर मौका देने लई आपदे चैनल ते। ते सर जिहड़ी तुसीं गल करी है भी एक चीज़ जिहड़ी असीं मेहनत नाल शुरू करते हैं इमानदारी नाल शुरू करते हैं उहनूं फल लगता ही लगता जी, है ना, देर लगे सवेर लगे बट एक तुहाडे वर्गे भरावां दी बदौलत सारे आसे पासे सपोर्टिंग जिहड़े जिहड़े साडी इंस्टीट्यूट नूं सपोर्ट करते हैं उहनां सारिआं दी बदौलत अज असीं मोगे च कह सकते असीं बहुत वधिया नाम आपदा कर लिया, तो साढ़े बहुत वधिया वीज़ाज़ आ रहे हैं, साढ़े आयल्स के रिजल्ट बहुत वधिया आ रहे हैं, तो साढ़े असी प्लस रीसेंटली UK कंट्री असी ऐड करी सी, UK के भी बहुत अच्छे रिजल्ट साढ़े आ रहे हैं जी इस टाइम पर। रजी की कहना चाहोगे कि तुसी क्वांटिटी दे विच विश्वास नहीं रखते क्वालिटी रखते हो और तुसी ये कहते हो जिहड़ा बच्चा एक बार मेरे प्रीमियम आ जाए उन्हूं मैं वधिया बैंड स्कोर देवां, जिहड़ा बंदा मेरे को वीज़ाज़ लई आ जाए स्टडी वीज़ा लई आ जाए मैं उन्हूं ऐसे कोर्स चूज़ करके देवां कि जिहड़े उहदे नाल एप्रोप्रिएट होण, जिहड़े बंदे ने जिस टी चीज़ दे नाल करिया हैगा आपदे लालच नूं छड्ड के बल्कि वह बंदे दे हित नूं देख के तुसी कम करो, यही कारण है कि जिन्हें भी लोग तुहाडे थ्रू अज गए ने वो तुहाडी इक चेन बन चुके ने, वो उधर बैठे भी गल करते हैं जो रजत जी का नाम आता तो वो कहते नहीं नहीं वधिया बंदे आ, उधरों भी तुहानूं रेफरेंसिस भेजने शुरू कर रहे ने। सर ये भी मैं कोशिश करदा जे आप मान लो सारे इंस्टीट्यूट साढ़े बहुत इंस्टीट्यूट आ पंजाब सर एक छोटे कस्बे भी मैं लगता ऋषि जी भी 25-25 इंस्टीट्यूट है हुण मोस्टली मैं सारे नूं नहीं कहिंदा बहुत बहुतियां दा काम की है कल्लियां फीसां कट्ठियां करके तो आपदा
ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੋਪ ਮੋਸਟ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ PTE, ਬਿਕੋਜ਼ PTE UK ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ PTE ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਓਲਡ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਪਏ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਿਲ ਅੱਜ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਜਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘਟਾ ਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਆ ਚਾਹੇ PTE ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੀਸ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ CBSE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ। ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆਇਲਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੁਣ PTE ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਪ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜੇ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ? ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੂ, ਉਹਨਾਂ
सारा कुछ ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। असी कंसैशन तुहाडा नाम जिहड़ा बच्चा आ के लूगा उहनूं कंसैशन श्योर देवांगे, बच्चा तुहानूं फोन करके थैंक यू करूगा। रजी जी तुहाडा बहुत धन्यवाद, हर बार की तरह जिस तरह तुसीं अज भी एनर्जी छो, 2 बजे का टाइम होने वाला लेकिन एनर्जी लैवल्स तुहाडे मैडम दे पूरे हाई ने। असीं देखिया किन्ने लोगों को काउंसलिंग कर रहे थे वो बावजूद तुसीं सानूं विच दी जिहड़ा समझ दिता, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जिथे रोज़ रेफरेंसिस दे नाल लोग आ रहे हैं। देखो तुसी अज अगर पायलट्स की गल कर लिए तो इंस्टीट्यूशन जिहड़ियां सारियां तकरीबन जिहड़ियां फ्री पईआं ने, पर परमात्मा की कृपा इत्थे इंस्टीट्यूशन दे अज भी बच्चे जिहड़े हैगे आ पूरी तरह दे नाल आ रहे हैं, क्योंकि जिहड़ा ये सेंटर हैगा वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वल वध रहा हैगा। सर तुहाडा सानूं समां देण दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक लास्ट मैसेज मैं प्लस टू वाले बच्चों को देना चाहूँगा, जिहड़े भी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं वो ध्यान ला के आपदा पढ़ो, चंगे स्कोरस लो, तुहाडी कल्ली बैंड स्कोर नहीं, तुहाडे नाल जिहड़े 12th दे स्कोरस आ वह भी काउंट हुंदे आ जदों आपां वीज़ा फाइलिंग करते हैं। सो अगे गाँवी सेवावां लई ग्लोबल फ्लायर्स बैठा, तुहानूं आयल्स की प्रैपरेशन करावांगे, तुहाडा वीज़ा भी लावांगे, तुहानूं टिकट भी देवांगे, सारा कुछ एक जगह तो होगा। तो सारे दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋषि जी।